फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे HDR टोनिंग कैसे यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे HDR टोनिंग अगर आप नॉन डिस्ट्रक्टिवली यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले HDR टोनिंग यूज़ करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इमेज के अंदर। इमेज के अंदर आप देखेंगे एडजस्टमेंट है, इसके अंदर यहाँ देखेंगे HDR टोनिंग है। ये फोटो एडिटिंग और फोटो कलर ग्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा फोटो एडिटिंग का। आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ से आप अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने फोटो को अच्छा लुक बना सकते हैं। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं इन सभी को डिटेल में सीखना तो आप मेरे प्रीमियम क्लास में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस HDR टोनिंग को नॉन डिस्ट्रक्टिव कैसे यूज करेंगे। यहां से मैं कैंसिल करता हूं। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब ये कि आप एक लेयर को ओपन करते हैं और आप चाहते हैं जो भी काम करूं वो इस लेयर पे करूं, और बाद में अगर हमें चेंजेस करना हो तो चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए आप इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और सोचते हैं कि कोई भी काम इस पर करूंगा तो ये अलग से हमें स्मार्ट फिल्टर दे देगा। लेकिन यहाँ आपको स्मार्ट फिल्टर नहीं मिलता है। इसके लिए एक ट्रिक है, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा। देखिए, जैसे ही मैं इमेज में जाऊँगा, एडजस्टमेंट में जाऊँगा और यहाँ से आप HDR टोनिंग ओपन करेंगे, यहाँ आपसे पूछेगा कि क्या आप दोनों इमेज को फ्लैटन करना चाहते हैं, यानी दोनों को मर्ज करना चाहते हैं। अगर आप यहां से नो कर देंगे तो HDR टोनिंग आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने यहां से यस किया तो दोनों को फ्लैटन करके एक कर देगा। आप देखिए, ये दोनों को एक कर दिया है, ये देख सकते हैं। तो इससे आप बचना भी चाहते हैं और चाहते हैं कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव भी हो जाए, उसके लिए आपको ये करना होगा। यहाँ से कैंसिल करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ से इसकी एक कॉपी बनाते हैं और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और इस पर डबल क्लिक करके आप एज ए न्यू डॉक्यूमेंट इसे ओपन कर लें। यहां से मैं ओके करूंगा। जैसे ही ओके करेंगे आप देखें न्यू डॉक्यूमेंट में ये ओपन हो चुका है। अब जो भी एडिटिंग करना है मैं यहां पर एडिटिंग करूंगा और उसके बाद सेव करके अपने ओरिजिनल फाइल में चले जाएंगे। जैसे अब यहां से आप इमेज के अंदर जाकर एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहां से HDR टोनिंग ओपन करेंगे। अब जो भी चेंजेस आपको करना है यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ डिफॉल्ट है, कुछ भी एक स्टाइल आप चाहते हैं आप यहाँ से चूज करके ओपन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस फोटो को रियलिस्टिक फोटो में कन्वर्ट करना, तो यहाँ से फोटो रियलिस्टिक ओपन करूँगा। ये फोटो अपने रियलिस्टिक इमेज के तरह दिखने लगेगी और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर लूँगा। अब उसके बाद हमें सिर्फ फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करना है। ये अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ओपन हो चुका होगा। यहाँ से मैं बंद कर लेता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर चेंजेस हो चुका है। ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप HDR टोनिंग प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं फोटोशॉप डिटेल से सीखना तो आप मेरे प्रीमियम क्लास ज्वाइन कीजिए या फिर मेरे इंस्टीट्यूट में आकर एडमिशन ले सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ को लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।